हेलो आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे सेहत में होंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आजकल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इस चीज को लेकर कि सर हम लोग सिर्फ मैकेनिकल से लिखें या एम ई प्लस एक्सए से लिखें तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं आई विल बी हेल्पिंग यूर लिटिल बिट है ना आई विल बी टेलिंग यू थ्री कंडीशंस आई विल बी टेलिंग यू थ्री कंडीशंस एंड इफ यू आर फॉलोइंग Even in one of them, you should not write XC paper. Yes, being All India Rank 1 2019 20 Engineering Census Paper, I am saying you need not to write GATE 2023 or 24 XC paper if you are falling in any of these three conditions. The condition number one: if you are already from IIT background, if you are pursuing your B Tech from IIT, you need not to write gate XE paper because. From your college itself, based on CGPA, you will be getting IIT, M.Tech. Right? So, you need not to write GATE XE paper if you are already IITian. Point number two, you should not write GATE XC paper if, if you are 100% sure that in GATE Mechanical, you will be getting under 200 rank. अगर आप लोग बिल्कुल 100 परसेंट श्योर हैं कि गेट 2023 या 24 में 100 परसेंट मेरी रैंक अंडर 200 होगी मैकेनिकल में तो यू शुड नॉट राइड गेट एक्सी पेपर आप मैकेनिकल के लिए जा सकते हो आपको थम्सअप है थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन कि आप 100 परसेंट श्योर हो यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर दैट यू वॉन्ट पी एस यू ओनली आपको सिर्फ पीएसयू ही चाहिए You don't want any higher education, you want only PSU, then you should go for mechanical only. You should not write XC paper. If you are 100% sure that you don't want ISC Bangalore, M.Tech in mechanical engineering, you should go only for mechanical. If you are 100% sure that you want only PSU, you don't want IIT Bombay. Design, you should go only for mechanical. If you are 100% sure that you want PSU only, you even don't want IIT Bombay thermal, you should go for mechanical only. If you are 100% sure that you want only PSU, even not Niti Bombay, you should go for mechanical only. If you are 100% sure you want only PSU, you don't even want IIT Guwahati Data Science, IIT Roorkee Data Science, you should go for Mechanical only. If you are hundred percent sure that you want PSU only, you even don't want IIT Delhi Industrial, IIT Kanpur Industrial, you should go for Mechanical only. मैंने आपको clarity दे दी है. अगर इन तीनों में से आप किसी भी category में हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ Mechanical के लिए prepare करो. तीन चीज़ें कौन-कौन सी बताई? अगर आप already IITian हो, एक्सी लिखने का कोई फायदा नहीं है बेस्ड ऑन यूर बी टेक सीजीपी यूल बी गेटिंग आई आई टी एम टेक सेकेंड थिंग अगर आप हंड्रेड परसेंट सियोर हो कि आपकी टू हंड्रेड से कम रैंक आएगी ही मैकेनिकल में यू शुड नॉट ट्राइट एक्सी पेपर एंड

है ना आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे सिर्फ पी चाहिए इवन मुझे इंडस्ट्रियल मिल जाए आईआईटी दिल्ली का इंडस्ट्रियल मिल जाए आईआईटी कानपुर का इंडस्ट्रियल मिल जाए मैं टस से मस नहीं टूंगा यू शुड प्रिपेयर ओनली फॉर मैकेनिकल डोंट गेट पेपर और बेटा ये जितने भी मैंने चीजें आपको बताई है इस बच्चे को आई बैंगलोर एमटेक मैकेनिकल मिला है थ्रू गेट स्कोर यस मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए इस बच्चे को यस yes, मेरा बच्चा है इसको आई बैंगलोर मिला है एमटेक मैकेनिकल ये मेरा बच्चा है सानू सिंह इसको गेट एक्सी के बेसिस पर आईआईटी बॉम्बे मिला है डिजाइन ये मेरा नेगी सोल्जर है सत्यजीत बहरा इसको गेट एक्सी के स्कोर पर आईआईटी बॉम्बे थर्मल मिला है ये मेरा बच्चा है नेगी सोल्जर है अनीस इसको निटी बॉम्बे मिला है गेट एक्सी के स्कोर पर ये मेरा नेगे सोल्जर है उजास, इसको डेटा साइंस मिला है आईआईटी आई गुवाहाटी इनफैक्ट इसको आईआईटी आई की भी मिला था लेकिन फाइनली उसने आईआईटी आई टी गुवाहाटी बींग ओल्ड फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईआईटी गुवाहाटी बिकॉज आईआईटी आई गुवाहाटी में डेटा साइंस पहले स्टार्ट हुआ था तो उसने आईआईटी आई गुवाहाटी चूज किया यह एक मेरा बच्चा है जिसको आई आई से इंडस्ट्रियल आई मद्रास से थर्मल मिला था हालांकि उसने आई आई का इंडस्ट्रियल प्रेफर किया और ये एक, ये एक एक ट्रेंड मैंने इस बार देखा है कि लोग ना नॉन कोर को भी बहुत दे रहे हैं और ये जितने भी मैंने आपको बताया सबका गेट एक्सी के थ्रू ही हुआ है तो यार देखो आप सिर्फ मैकेनिकल भी लिख सकते हो अगर आप उन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में हो और अगर आप उन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो हजार बाईस में जिस हिसाब से पेपर आया है बहुत ही अनसर्टेंटिटी है आप सिर्फ मैकेनिकल पर भरोसा नहीं कर सकते हैं है ना तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टेक योर वाइज डिसीजन आपको एक्सी के लिए कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पड़ना है और अगर वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो हंड्रेड परसेंट यू विल बी हैविंग सम सेफर साइड है ना